उधर आगरा में विपक्षी नेताओं की गंदी चाल का खुलासा हुआ है। बीजेपी विधायक को रेप में फंसाने की साजिश रची गई। विधायक राम प्रताप सिंह चौहान को फंसाने की साजिश हुई। विपक्षियों की गंदी राजनीतिक साजिश का ऑडियो वायरल हुआ है। सपा के रईश खान, ओवैसी की पार्टी के इदरीश खान ने यह साजिश रची। ऑडियो में विधायक को रेप में फंसाने की बात कर रहे हैं। विपक्षी विधायक को बदनाम करने के लिए होर्डिंग लगाने की बात कर रहे हैं। ऑडियो में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का ताना बाना बुना जा रहा है। ऑडियो वायरल होने से सियासत की गलियारों में खलबली मच गई। बीजेपी विधायक की तहरीर पर कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। दो लोग पहले एक नाबालिग से चार युवकों ने रेप किया था। गैंगरेप के आरोप में विधायक को फंसाने की साजिश रची गई। मैंने सेकंड पार्टी देखा, देखो मौका अच्छा है, कुछ मत करो, थोड़े से पैसे खर्च जरूर होंगे, हाथ में मेरे भी मत दो, किसी को मत दो, लेके साले 10 होर्डिंग ठोक दो। जैसे 10 होर्डिंग ठोकेंगे जी, प्रशासन अपने आप सड़क को उतर जाए, क्योंकि मसला विधायक जी का नाम तो क्लियर हो ही रहा है, मगर कुछ चीजों के लिए हमें कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत पड़ जाती है। पैसे की जरूरत क्या क्या, अभी मुझे विधायक जी, मुझे पता है कि मीडिया ने जितना छापना छापना, अब मुझे पब्लिक में विधायक जी को खींचना है, कैसे खींचेंगे साहब? 10 होर्डिंग लगाओ, 10 होर्डिंग था ना, कितने के होंगे? 30,000 रुपए के। विधायक जवाब देते देते मर जाएगा और एसएसपी को कॉन्ट्रोल जवाब देना पड़ेगा। आगरे के अंदर 10 होर्डिंग में भाई सब सब हिल जाएंगे, पूरी बीजेपी गवर्नमेंट हिल जाएगी, क्योंकि एक विधायक फंसा पड़ा है, दूसरे का नाम आ रहा है, ये पक्का है। होर्डिंग लगेगा 15 मिनट मुश्किल से, 15 मिनट फटे जाएंगे, मगर 15 मिनट में पूरा राज्य केंद्र हिल जाएगा और राज्य हिल जाएगा। अरे दिन भी लगेंगे भाई साहब, देखो हर चीज के लिए मैंने कहा, कुछ चीजों के लिए पैसा और कुछ के लिए पावर जरूरी होती है, तो कुछ के लिए पैसा जरूरी, और जब दोनों काम ना करें तो नंगपना जरूरी होता है। राहुल लेके गया तो मैं उसके साथ गई थी, अपनी मर्जी से गई थी, मैं 16 तारीख को गई थी। हाँ, उन लोगों ने बात की थी, बस मैंने उनको देखा था, फोटो भी सही पहचान, वो लोग बातें करते थे, मुझे इतनी पता है बस, और कुछ नहीं है। राहुल ने सिर्फ केवल तो राहुल के साथ तुम अपनी मर्जी से गई थी या अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से गई थी। हाँ। किसी विधायक का नाम था, मेरा तो उस लड़की ने कोई नाम नहीं लिया, सत्यता ये है। लेकिन कुछ लोग, एक ऑडियो मुझको मिला है, उसमें मुझको फंसाने की प्रयास कर रहे हैं कुछ लोग। अब उसमें यहाँ तक कह रहे हैं कि 10 होर्डिंग लगा देंगे, 15 मिनट में फट जाएंगे, लेकिन सरकार हिल जाएगी। तो ये बिल्कुल एक तरह से एक कोई मुझे लगता है कॉकस है, जो बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को और मुझको, ये उनका प्रयास है। एतमादौला थाने का ये मामला है, आईपीसी की 363 और 366 इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। जो अफ्रीता बच्ची थी वो बरामद कर ली गई है और एक आरोपी को जेल भी भेजा जा चुका है। इसमें जो अफ्रीता है उसका मेडिकल कराया गया और नियम के मुताबिक उसका 164 सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराए गए हैं। बयानों का अवलोकन किया जाएगा और मेडिकल का भी अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद जो भी तथ्य हमारे सामने आते हैं, फैक्ट बेस्ड और एविडेंस बेस्ड कार्रवाई इसमें।